मेथड्स क्या हैं? आज हमारा जो पहला मेथड है वो रहेगा मेथड ऑफ लिमिट्स, जिसको बोलते हैं सीमा विधि। दूसरा मेथड है आपका मेथड्स ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई, तत् उद्दीपक विधि। तीसरा है आपका मेथड ऑफ एवरेज एरर, जिसको बोलते हैं औसत त्रुटि विधि। तो आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो है मेथड ऑफ लिमिट्स। हम सिर्फ मेथड ऑफ लिमिट्स को आज पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि जो मेथड ऑफ लिमिट्स है उसका प्रयोग जो व्यक्ति का थ्रेश होल्ड लेवल है उसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि व्यक्ति ने उस स्टिमुलस को कब पहचाना। तो जो आप लोगों का थ्रेश होल्ड लेवल है उसको एस्टिमेट करने के लिए, मीन निकालने के लिए मेथड ऑफ लिमिट्स सीमा विधि का उपयोग करते हैं। यहाँ पर क्रेपलिन ने यह बताया कि 1891 में इसको ऐसा इसलिए बोला गया था कि इस विधि में व्यक्ति के सामने उद्दीपक का उपस्थित किया जाना वहां पर समाप्त हो जाता है जहां व्यक्ति उद्दीपक की तीव्रता के उस सीमा पर पहुंच जाता है जहां वह अपना निर्णय में परिवर्तन स्पष्ट रूप से कर लेता है। देखो, यहाँ कहने का ये मतलब है कि जब मैं आपके सामने एक स्टिमुलस को प्रेजेंट करूंगी उसके बाद आपको वो साउंड सुनाई देगी। एक ऐसा लेवल आएगा जब आपको वो साउंड सुनाई देनी शुरू हो जाएगी और आप मुझे ये बोलोगे कि मुझे वो आवाज आ रही है। उस टाइम मैं आपको आवाज देना बंद कर दूंगी। तो मेनली मतलब इसका यह हुआ कि जब स्टिमुलस आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा तो एक ऐसा लेवल भी आएगा कि आप उसको स्पष्ट पहचान सकते हो कि हमारे सामने कौन सा स्टिमुलस आया है। तो इस विधि में हम मेथड आरएल और डीएल को ज्ञात करेंगे। अब आरएल को निकालने के लिए हमारे पास क्या है? सिर्फ एक ही स्टिमुलस हमारे पास प्रेजेंट होगा। डीएल में हमारे सामने दो स्टिमुलस होते हैं। अब आरएल यानी कि जो आपका रिज लीमेन है, जो आपका एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है या फिर आपका जो स्टिमुलस थ्रेशोल्ड है, वो हम कैसे निकालेंगे? इसके सामने आपके लिए दो तरीके होते हैं, यानी कि हम दो मेथड्स को यूज करेंगे। पहला है आपका असेंडिंग सीरीज, जिसको आरोही श्रृंखला बोलते हैं। दूसरा है आपका डिसेंडिंग सीरीज, जिसको आप बोलते हैं अवरोही श्रृंखला। असेंडिंग का मतलब क्या है कि जब हम पॉइंट 1 से शुरू करके 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 तक पहुंच जाएंगे, यानी कि एक ऐसा लेवल जहां पर आपको उसकी साउंड नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे साउंड इतनी बढ़ जाएगी कि आप उसकी साउंड को सुनना शुरू कर दोगे। और डिसेंडिंग सीरीज में क्या है कि पहले से ही आपको वो साउंड इतनी तेज इंटेंसिटी की आएगी कि आपको पहले ही ट्रायल में वो सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस लेवल को हम कहाँ तक लेकर जाएंगे? जहां तक आप उसको सुनना बंद ना कर दो कि अब आपको उसकी आवाज नहीं आ रही है। तो दो तरीके होते हैं आपके पास, असेंडिंग सीरीज और डिसेंडिंग सीरीज। असेंडिंग सीरीज में क्या किया जाता है कि स्टिमुलस की इंटेंसिटी की शुरुआत एक ऐसे बिंदु से की जाती है जहां सब्जेक्ट उद्दीपक का परसेप्शन नहीं कर पाता है। यानी कि एक आपको सॉन्ग सुनाया जाएगा, मैं उसकी आवाज को बंद कर दूंगी तो आप उस सॉन्ग को नहीं सुन पाओगे। लेकिन धीरे धीरे क्या करूंगी, उसकी आवाज को मैं इंक्रीज करती चली जाऊंगी तो आप उस साउंड को फिर सुन पाओगे। तो एक ऐसा लेवल आएगा कि जहां आप उसको क्लियरली पहचान लोगे कि हाँ अब मुझे साउंड आ रही है, तो मैं आपको आगे ट्रायल देना बंद कर दूंगी। उसके बाद आपको डिसेंडिंग सीरीज दी जाएगी, एक ऐसी सीरीज जहां पर उस सॉन्ग को पहले ही हाई इंटेंसिटी में आपको दिया जाएगा और आप पहले ही ट्रायल में उसको पहचान लोगे। और धीरे धीरे फिर मैं उस सॉन्ग की साउंड को इतना कम कर दूंगी कि आप उसका पहचान नहीं पाओगे। तो ये दो ट्रायल होते हैं, डिसेंडिंग सीरीज और असेंडिंग सीरीज। अब जो आरएल और डीएल हमने निकाला है, इसके लिए हमें क्या करना है कि जो आपके पास स्टिमुलस है, जो भी मैं आपको स्टिमुलस दूंगी, चाहे कोई सॉन्ग दूंगी या फिर कोई मैं पिक्चर आपको दिखाऊंगी, तो क्या है एक मिनिमम मैग्नीट्यूड है कि उसकी एक न्यूनतम मात्रा है जो आपके सामने प्रेजेंट की जाती है और आप उसको पहचान लेते हो। तो इस मेथड के 2-3 नाम और हैं। पहला है मेथड ऑफ मिनिमल चेंज, कि स्टिमुलस में एक ऐसा मिनिमम चेंज होता है कि व्यक्ति उसको पहचान लेता है। दूसरा है मेथड ऑफ जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, कि एक ऐसा अंतर जो आपने पहचान लिया। थर्ड नाम है इसका मेथड ऑफ सीरियल एक्सप्लोरेशन, कि आपको एक सीरीज दी जाती है, पहले उसके साउंड को 0 से शुरू करेंगे और अंत तक लेकर जाएंगे। और डिसेंडिंग सीरीज क्या है, उसके साउंड को हम 100 से शुरू करके 0 तक लेकर आएंगे। अब यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिखाई देगा। अब देखिए, इसमें हमें क्या निकालना है? आरएल निकालना है, यानी कि जो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है या फिर आपका जो स्टिमुलस थ्रेशोल्ड है, इसमें हम मेथड ऑफ लिमिट्स को यूज करेंगे। ए का मतलब क्या है कि आपके सामने असेंडिंग सीरीज दी जाएगी। डी क्या है, आपके सामने डिसेंडिंग सीरीज दी जाएगी। अब जो आपके पास ये साउंड है, यानी कि साउंड हमने 1 से शुरू की है और शुरू होकर ये हमारी एंड तक जाएगी 14 तक। अब डिसेंड असेंडिंग सीरीज में हमारे पास ये लेवल है, इसमें हम क्या करेंगे कि मेरे सामने सब्जेक्ट है पहला, तो मैं उसको पहले जो आपकी 1 है ये वाली साउंड दूंगी, इस पे आप उसको पहचान नहीं पाओगे। इसके बाद मैं सेकंड ट्रायल दूंगी आपको, यहाँ पर वो साउंड थोड़ी सी मैं तेज कर दूंगी तो आप उसको सुनाई नहीं दे पाओगे। थर्ड में फिर मैं उसको साउंड को थोड़ा सा और तेज करूंगी, फिर भी आपको सुनाई नहीं देगी। ऐसे करके करके आपके पास 6 ट्रायल आएगा। 6 ट्रायल में आप क्या है उसको सुनना थोड़ा सा आप शुरू करोगे और जब मैं 7 ट्रायल दूंगी आपको तो वहां पर आप उसको सुन लोगे। तो ये क्या कि पहले 5 ट्रायल तक हमने उसको बिल्कुल भी नहीं सुना, लेकिन जब 6ठा ट्रायल आया था, 6ठा शुरू किया और 7 के हम अंत तक पहुंचे तो यहाँ एक ऐसी साउंड आई है कि आपने उसको पहचान लिया। जब तक आपने उसको नहीं पहचाना, हमने यहाँ पर माइनस के साइन लगाई है। जब हमने उसको पहचान लिया तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव यानी कि प्लस का एक साइन लगा दिया है कि हमने इस चीज को पहचान लिया है। इसके बाद असेंडिंग सीरीज अभी कंप्लीट हो जाती है, हम फिर डिसेंडिंग सीरीज को शुरू करेंगे। ये हम कहाँ से शुरू करेंगे, एक ऐसा लेवल है 14 जो हाई इंटेंसिटी का है कि पहले ही ट्रायल में आपने उस साउंड को पहचान लिया। उसके बाद मैं इसको कम कर दूंगी 13, 12, 11, 10 कि एक ऐसी साउंड है कि आप इसको 7 ट्रायल तक पहचान लोगे कि मुझे सॉन्ग सुनाई दे रहा है। इसके बाद वो साउंड और कम हो जाएगी, 6 वाली साउंड जो आएगी वो आपको सुनाई नहीं देगी, फिर 5th, फिर 4th और फिर 1 या लास्ट तक मैं लेकर चलूंगी। तो हमने यहाँ क्या किया, जो हमें साउंड आ रही है हमने उसको पॉजिटिव में रिप्रेजेंट किया है, जो साउंड हमें नहीं आ रही हमने उसको नेगेटिव में रिप्रेजेंट किया है। ऐसे उसके बाद उसका असेंडिंग लेवल फिर शुरू हो जाएगा। इसको हम यहाँ से नीचे से शुरू करेंगे और हमारा ऊपर तक चला जाएगा, फिर डिसेंडिंग, फिर असेंडिंग। ऐसे हम एक सब्जेक्ट के 5 ट्रायल लेंगे। इसके बाद हमें मीन निकालना। मीन हम कैसे निकालेंगे, असेंडिंग सीरीज का मीन हम क्या निकाल लेंगे कि जब हमने उसको 6 की साउंड दी और जब हमने उसको 7 की साउंड दी तो इन 2 के बीच की साउंड वो सुन पाया है, तो हम यहाँ मीन कैसे निकालेंगे, 7 + 6 कर देंगे, 13 आ जाएगा। फिर इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 6.5 मीन आ जाएगा। अब जो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ पर भी जो आपको साउंड आई है 6 और 7 के बीच में वो सुनाई देनी बंद हो गई थी, तो हम इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका मीन क्या आएगा, 6.5 आएगा। अब नेक्स्ट आपका असेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ पर आपको 7th और 8th के बीच में साउंड सुनाई देनी बंद हुई है, शुरू हुई है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 और 7 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका मीन आ जाएगा 7.5। ऐसे ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे कि एक सब्जेक्ट के सामने हमें एक ऐसे साउंड को रिप्रेजेंट करना जहां उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, और एंड हम वहां करेंगे जब उसको बिल्कुल वो सुनाई देता है। तो इस साउंड के हम 5 ट्रायल लेंगे, असेंडिंग, डिसेंडिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग। ऐसे ही हमारे लगातार ये ट्रायल चलते रहेंगे। टोटल हमारे पास 10 होंगे, जिसमें से असेंडिंग के 5 और डिसेंडिंग के 5 ऑर्डर होंगे। तो ऐसे ही हम पूरे ट्रायल कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम इसका मीन निकाल लेंगे। मीन हम कैसे निकालेंगे, एक ऐसा लेवल है जहां पर वो साउंड उसको सुनाई नहीं दे रही, और दूसरा लेवल क्या है जहां उसको साउंड सुनाई दे रही है। फिर हम इन दोनों लेवल्स की जो वैल्यूज है यहाँ पर हम उसको ऐड कर लेंगे और 2 से उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या है, मीन आ जाएगा। ये यहाँ तक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है मीन ऑफ असेंडिंग सीरीज। जो आपका यहाँ पर मीन आया है, जो आपका ए 2, 3, 4 और 5 जो 5 लेवल्स आए हैं, हमने यहाँ पर इसका मीन लिख लिया है। फर्स्ट असेंडिंग सीरीज का मीन था 6.5, सेकंड का 7.5, थर्ड का 8.5, फोर्थ का 6.5 और फिफ्थ का आपका 7.5। ऐसे हमने 5 जो आप किसी ऑर्डर लिए थे इसको हमने ऐड किया और 5 से डिवाइड कर दिया, आपका मीन क्या आया है, 7.3। कि असेंडिंग सीरीज में जब उस सब्जेक्ट ने साउंड को सुना तो उसका मीन क्या आया, 7.3, यानी कि उसने हर एक लेवल का जो मीन वैल्यू है वो 7.3 कि 7.3 के लेवल पर जाकर उसको साउंड सुनाई दी। इसके बाद हम निकालेंगे मीन ऑफ डिसेंडिंग सीरीज। ऐसे ही जो हमारे जो 5 लेवल है डिसेंडिंग सीरीज के, हम उसको यहाँ पर डाल देंगे और 5 से उसको डिवाइड कर देंगे तो इसका मीन क्या आया, 7.9। तो यहाँ से ये मालूम होता है कि जब व्यक्ति को स्टिमुलस असेंडिंग सीरीज में दिया जाता है तो उसका मीन 7.3 आया, और जब उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया तो उसका मीन 7.9 आया। तो असेंडिंग सीरीज का मीन कम था, डिसेंडिंग सीरीज का मीन ज्यादा था, तो उस व्यक्ति ने डिसेंडिंग सीरीज में स्टिमुलस को अधिक बार पहचाना और असेंडिंग में उसने कम पहचाना। तो इसके बाद हम RL निकालेंगे, क्या है आपका एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। इसके लिए हम क्या करेंगे, मीन ऑफ असेंडिंग सीरीज, मीन ऑफ डिसेंडिंग सीरीज, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो आपका RL क्या आ जाएगा 7.6, कि दोनों ही लेवल में असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसका मीन क्या था 7.6, कि उस व्यक्ति ने जो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड जब उसने साउंड को सुना है तो उसका लेवल था 7.6। इसके बाद एक आपके पास वैल्यू चार्ट होता है, वहां पर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी जाती है, तो वो आपका है 9.943। अब जो ये डायग्राम आपको दिखाया गया था पीछे, अब इसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है यहाँ, ये हम पढ़ लेते हैं क्या बताया गया है। तालिका 4.1 में ध्वनि की तीव्रता की इकाई यूनिट आर्बिट्रेरी है, कि वो हमने मान ली है अपना एक मनमाना ढंग कि हमने उसको किस तरह की साउंड दी है। जो 1 से 14 तक है, इकाई 1 न्यूनतम तीव्रता का संकेत करता है और इकाई 14 अधिकतम तीव्रता का संकेत करता है। जैसे जो हमने ये साउंड दी है 1 से लेकर 14 तक, तो ये क्या है आपकी आर्बिट्रेरी है कि मन माने ढंग से हमने ये साउंड ले ली है। एक क्या है निम्नतम तीव्रता यानी कि सबसे कम तीव्रता वाली साउंड, और 14 क्या है सबसे अधिक तीव्रता वाली साउंड, क्योंकि हमने 1 से 14 तक ली है ये साउंड अपनी। इसके बाद तालिका में नेगेटिव साइन ध्वनि न सुनने की अनुक्रिया को दिखाता है। जो हमने माइनस का साइन लगाया था उसका मतलब क्या था कि उस सब्जेक्ट ने उस साउंड को नहीं पहचाना। जब हमने पॉजिटिव का साइन लगाया उसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति ने उस साउंड को पहचान लिया। तालिका 4.1 में 5 आरोही क्रम है, यानी कि 5 असेंडिंग सीरीज है और 5 क्या आपके पास डिसेंडिंग सीरीज। प्रत्येक श्रृंखला के ठीक नीचे उस श्रृंखला के सीमांत मान यानी कि थ्रेशोल्ड वैल्यू को लिखा गया है। पहली श्रृंखला आरोही श्रृंखला है जिसमें व्यक्ति ने 6 इकाई तक ध्वनि न सुनने की अनुक्रिया करता है और 7वीं इकाई में ध्वनि सुनने की अनुक्रिया करता है। तो इन दोनों का जो मीन है वो क्या है 6 + 7/2 6.5 का मीन आ गया है। जैसे इसने बताया है कि जो आपका ये असेंडिंग सीरीज है, यहाँ पर हमने उस व्यक्ति को साउंड दी 1 से हमने शुरू की, लेकिन उसने 6 तक नहीं पहचाना, लेकिन 7th में उसने पहचान लिया। तो असेंडिंग का मीन हमारा क्या होगा 6 + 7/2 6.5 इसका मीन आ जाएगा। ऐसे ही हमने इसको पूरा कंप्लीट किया था, तो यहाँ पर पूरी एक्सप्लेनेशन इसकी लिखी गई है। इसी तरह से अन्य 9 श्रृंखलाओं का माध्य हम सीमांत ज्ञात कर लेंगे। सभी आरोही श्रृंखलाओं का माध्य तथा सभी अवरोही श्रृंखलाओं का माध्य अलग अलग ज्ञात किया गया है, जो 7.3 और 7.9 है। असेंडिंग सीरीज आपकी क्या है 7.3 की और डिसेंडिंग क्या आपकी 7.9 की। इन दोनों का RL क्या है 7.6, RL हमने यहाँ निकाला था। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड इसको बोलते हैं RL, ये हमने कैसे निकाला है मीन ऑफ असेंडिंग सीरीज प्लस मीन ऑफ डिसेंडिंग सीरीज डिवाइडेड बाय 2 7.6। इसके बाद इन्होंने ये बताया है कि जो सब्जेक्ट ने एरर किए हैं वो एरर किस कारण से हुए हैं। एक तो उसकी है इंटरेस्ट, कि उसका इंटरेस्ट उसमें था या नहीं, कि जब मैंने आपके प्रयोग किया क्या मैंने आपको पूछा, आपने हाँ की और आपने वो प्रयोग संभवतः कंप्लीट करवा दिया, लेकिन बीच में क्या है कि आपका इंटरेस्ट नहीं रहा, आप परेशान हो गई हैं, तो ये भी एक कारण है कि एरर आ जाते हैं सब्जेक्ट के द्वारा। दूसरा क्या है मोटिवेशन, कि उस व्यक्ति में मोटिवेशन की कमी पाई जाती है। तो ये 2 कारण हो सकते हैं जब व्यक्ति एरर रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें यह बताया गया है कि मेथड ऑफ लिमिट्स में 2 तरह के कॉन्स्टेंट एरर भी पाए जाते हैं। कॉन्स्टेंट एरर क्या है, मैंने कल बताया था आपको कि जब मैं आपको एक साउंड दूंगी उस साउंड की इंटेंसिटी इतनी कम है कि आप उसको सुन नहीं पाओगे, तो लगातार आप उसको नेगेटिव में आंसर दोगे। और एक बार क्या है उसकी मैं इंटेंसिटी हाई कर दूंगी तो आप उसको सुन लोगे, वो क्या है आपका एक लेवल कॉन्स्टेंट एरर। अब आप यहाँ देखिए, जब लगातार आपने नेगेटिव में उसको रिप्रेजेंट किया है, ये कॉन्स्टेंट एरर के लगातार आपको साउंड नहीं आ रही। और ये क्या है पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एरर है कि लगातार आपको वो साउंड सुनाई दे रही है, कि हमने ये नहीं कहा कि हाँ मुझे एक बार आवाज आई, सेकंड में मुझे आवाज नहीं आई, फिर मुझे आवाज आ गई, फिर मुझे आवाज नहीं आई, ये कॉन्स्टेंट एरर नहीं कहा जाएगा। लगातार जब हमें साउंड आती रहेगी वो आपका कॉन्स्टेंट एरर है, और एक टाइम के बाद हमें आवाज नहीं आएगी, तो लगातार हमें आवाज नहीं आएगी, तो वो क्या है आपका कॉन्स्टेंट एरर। तो ये आपके कॉन्स्टेंट एरर है। तो कॉन्स्टेंट एरर दो प्रकार के बताए गए हैं, एरर ऑफ हैबिचुएशन और एरर ऑफ एक्सपेक्टेशन। हैबिचुएशन क्या है कि आपको आदत पड़ जाती है कि मैंने आपको सॉन्ग दिया, आपने क्या किया, साउंड नहीं आ रही, आपने हमेशा उसको ना ना में जवाब दिया, तो ऐसे ही आपको एक आदत आ जाती है कि हाँ साउंड तो मुझे आ ही नहीं रही, तो मुझे हमेशा ना में ही अनुक्रिया करनी है। और एक बार क्या है कि आपको साउंड आ जाती है, तो बार बार मैं आपसे पूछूंगी साउंड आपको आ रही है, तो आप बोलोगे साउंड तो आ ही रही है। तो एक आदत के कारण आप मुझे क्या रिप्लाई करोगे, हाँ मुझे साउंड आ गई है। तो वो आपकी एक हैबिचुएशन हो जाती है, एक आदत पड़ जाती है आपको उसके प्रति अनुक्रिया करने की। तो जैसे इसमें बताया गया है कि अभ्यासन यानी कि हैबिचुएशन में सब्जेक्ट जो एरर करता है एक निश्चित अनुक्रिया में करने की आदत उसको बन जाती है। हालांकि उद्दीपक के तीव्रता में इतना स्पष्ट परिवर्तन नहीं किया जाता कि उसे अनुक्रिया न करके दूसरी अनुक्रिया करना चाहिए थी। जैसे डिसेंडिंग सीरीज में प्रयोग ने उसने बार बार हाँ कहा, असेंडिंग उसने बार बार ना कहा। तो ये क्या है एरर ऑफ हैबिचुएशन कि उसको साउंड नहीं आई तो उसने हमेशा ना 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 बोला, और जब साउंड उसको आई तो उसने हाँ हाँ बोला। तो ये है कांस्टेंट एरर जो एक दिशा में एक डायरेक्शन में आपका जा रहा है। इसके बाद है एरर एक्सपेक्टेशन। ये क्या है, आपको एक प्रत्याशा हो जाती है कि मुझे साउंड नहीं आई, क्या पता मुझे साउंड आ जाए, क्या पता मुझे साउंड आ जाए, कि आप किसी काम के लिए एक आशा करते हो। इसमें यह है कि इसमें व्यक्ति एक अनुक्रिया में परिवर्तन थोड़ा जल्द इस उम्मीद से कर लेता है कि उद्दीपक में तीव्रता में परिवर्तन हो गया होगा। ये त्रुटि का स्पष्ट प्रभाव यह होता है कि आरोही श्रृंखला का माध्य और आरोही श्रृंखला के माध्य से अधिक होता है, यानी कि डिसेंडिंग सीरीज का जो मीन आपका 7.9 था, असेंडिंग का आपका 7.63 था। तो क्या है एक उसको आशा हो जाती है कि हाँ अब मेरे पास साउंड आ गई होगी। एक आशा के कारण भी हम एक एरर कर देते हैं। तो आज हम इतना पढ़ेंगे, इसके बाद हम कल डीएल निकालेंगे। आज हमने आरएल निकालना सीख लिया, कल हम डीएल के बारे में पढ़ेंगे।